दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि इंडिया रशियन मिग 29 फाइटर जेट का एक एक्स्ट्रा बैच ऑर्डर कर सकता है। रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के एक ऑफिशियल ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया की तरफ से उन्हें मिग 29 फाइटर जेट का एक एडिशनल ऑर्डर मिल सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी। इंडिया अभी तक 60 मिग 29 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ ही रशियन ऑफिशियल का कहना है कि रशिया इंडिया के 110 फाइटर जेट के टेंडर में भी भाग ले सकता है, जिसे कि बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। इससे पहले रशियन साइड ने इस टेंडर से पहले आए MMRC टेंडर में अपने मिग 35 फाइटर जेट और स्कोई 35 फाइटर जेट को ऑफर किया था। इसके साथ ऐसी भी जानकारी मिली है कि रशिया के पास मिग 29 एयरक्राफ्ट जो कि 1980s में बने हैं, उनकी एक स्क्वाड्रन और कुछ ट्रेनर्स आइडल पड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें रशिया ने इस्तेमाल नहीं किया है, और रशिया इन फाइटर जेट को इंडिया को बहुत सस्ते दाम पर बेच सकती है, और इंडिया इन फाइटर जेट को बाद में UPG स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर इंडिया को वैसे एयरक्राफ्ट मिलते हैं जो कि बहुत सस्ते मिल जाएंगे तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी डील होगी। MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ये एयरक्राफ्ट विद एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, और ये इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद सभी लेटेस्ट मिसाइल्स के साथ कंपैटिबल है, और ये मल्टी डायमेंशनल अटैक भी कर सकता है। MiG-29 UPG में अपग्रेड इंजन्स भी लगाए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट किसी भी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को स्पॉट करने के 5 मिनट के अंदर ही उड़ाया जा सकता है। इस फाइटर जेट के दूसरे फीचर्स में ये है कि इसमें एक मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगी हुई है, और इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी है, और इसमें प्रिसीजन गाइडेड मिशंस को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी है। इंडिया ने जो UPG अपग्रेड की है उसमें इस एयरक्राफ्ट के आउटडेटेड टोपज एयर इंटरसेप्टर रडार को रिप्लेस कर ZAC ME यूनिट के साथ रिप्लेस किया गया है। इस नए रडार में मल्टी मोड कैपेबिलिटीज हैं, और इसमें मैकेनिकली स्कैंड स्लॉटेड एंटीना है। इसके साथ ही अब इस फाइटर जेट में इंस्टॉल करने के लिए रशिया द्वारा डेवलप किया गया एक AESA रडार भी अवेलेबल है। इस नए रडार को रशियन साइड MiG-35 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने जा रही है। MiG-29 के UPG अपग्रेड के साथ अब ये फाइटर जेट एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बन गया है, और ये पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 17 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेहतर है। MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट में R-77 RVV एयर मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी है, और ये एडवांस सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एडवांस लेजर थर्मल इमेजिंग और टेलीविजन कैपेबिलिटीज भी हैं। इंडिया द्वारा की गई इस अपग्रेड में इसकी रेंज को 40% इंक्रीज किया गया है, और इसके साथ ही अब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी 40% कम कर दिया गया है, और इसकी मेंटेनेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। इसमें एक नया वेपन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, और इसके कॉकपिट को भी इम्प्रूव किया गया है, और इसके साथ ही इस अपग्रेड में इस फाइटर जेट की लाइफ को भी 15 साल और एक्सटेंड किया गया है। तो अगर इंडिया को MiG-29 फाइटर जेट रशिया से मिलते हैं तो इंडिया इसको UPG स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर इसे एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट बना सकता है, जो कि पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को धूल चटा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।